नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्र जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। मेरे साथ में आज अमित जी हैं, जिनको जिनका वजन बहुत ज़्यादा था, 122 किलो वजन था, तो इन्होंने मेहनत करके और मेरे देखरेख में रह के 32 किलो वजन कम कर लिया। फैटी लीवर की शुरुआत हो रही थी, उसमें भी इनको बड़ा वो मिला, सहारा मिला। अब इनकी बॉडी बड़ी अच्छी फिजिक है इनकी, अब 90 के जी के आसपास वेट है। एक बार अमित जी वो दिखाइए, फोटोग्राफी दिखाइए आप मोबाइल में। तो क्या इनका रोड मैप था, कैसे मैंने इनको गाइड किया, मैं आपको बताऊंगा। पहले अमित जी आपको बताएंगे कि भाई कैसा इनका पहले फिजिक थी और कैसी फिटनेस का लेवल है अब इनका, ये आप जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि फैटी लीवर की कोई भी दुनिया में दवाई नहीं है और बड़े सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है। 5 से 20% लोगों को ये दिक्कत होती है और आखिर में या तो बैरियट्रिक सर्जरी करानी पड़ती है पेट की, या लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ये देखिए इनका, जब पहले मेरे पास आते थे ये देखिए कितनी हैवी बॉडी थी, अब इनका 90 केजी के आसपास वेट है। अमित जी बताइए कैसे किया आपने। हेलो, मेरा नाम अमित जगह है और मेरा वेट 122 केजी था और अब 90 केजी हो चुका है और ये सब डॉक्टर साहब की गाइडलाइन से हुआ है। इसके लिए मैंने शुरुआत में सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया, लंबी वॉक स्टार्ट की और उसके बाद मैंने जॉगिंग स्टार्ट की। फिर साथ साथ मेरे को जैसे गाइडलाइन मिलती गई सर से, तो मैंने साथ के साथ इसमें डाइट को भी चेंज की अपनी जो नॉर्मल रूटीन से था। इसमें मैंने दूध से बने हुए पदार्थ को छोड़ा, इसमें मैंने मीठे को कम किया, दालें बंद की, थोड़ी कम लेनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने सुबह वाटर का पानी पिया सुबह उठ के, तो इन चीज़ों को गाइडलाइन देते हुए उससे मेरा वेट रिड्यूस हो गया और किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने बिल्कुल भी। बड़ी बात है, देखिए बिना मेडिसिन के अगर आप ऐसे करेंगे तो 100% आपको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि फैटी लीवर जो है ये पहले इसमें ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाई देते शुरू में। लीवर हमारा खराब होता रहता है, डैमेज होता रहता है, लक्षण ज़्यादा बस अपच की शिकायत होगी, पाचन थोड़ा खराब होगा और कमजोरी से महसूस होगी, कई बार दर्द भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई बड़े तगड़े लक्षण होते, इसलिए इसका रॉन्ग ट्रीटमेंट भी चलता रहता है, गलत कुछ और दवाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन दिक्कत ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि एक तरह की लाइफस्टाइल डिसीज है। तो लाइफस्टाइल को ठीक करना इसका बहुत बड़ा समाधान है। इनकी 38 साल उम्र है केवल, देखिए अमित जी की, तो 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र में ही ये सबसे ज़्यादा होता है फैटी लीवर, और धीरे धीरे करके इसकी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 दिक्कत बढ़ती रहती है। कैसे हम लाइफस्टाइल ठीक करके इसको ठीक कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, और इसका मोटापे के साथ रिश्ता है फैटी लीवर का। अगर लोग ड्रिंक करते हैं उसे भी है, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम ड्रिंक नहीं करते हमें भी फैटी लीवर है, ये सबसे ज्यादा बड़ा कारण होता जा रहा है कि गलत खाना खाना, ज्यादा खाना खाना। जैसे हम खाना खाएंगे, एक बिस्कुट मुंह में डाला तभी इंसुलिन रिलीज होगा, कुछ तो वो उसको यूज करा देगा खाने पीने को, कुछ बाकी को सारा फैट लीवर में इकट्ठा करा देगा, उसे होता है फिर फैटी लीवर। इसलिए ज्यादा खाना इसका बहुत बड़ा कारण है, डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करना इसका बहुत बड़ा कारण है, गलत खाना खाना, गलत खाने की आदतें। अब आप दुकान बंद करते हैं 6:30 बजे, दुकान जो है हम शाम को 6 बजे बढ़ाते हैं, देखिए। और मेरा मानना ये है कि 6 से लेकर 9 बजे तक बैठे हैं दुकान पे, देखो अपनी अपनी नीड्स हैं हर किसी की, अगर उसका सामर्थ्य है तो वो अपने बॉडी पे ध्यान दे, ना कि इस तरफ ध्यान दे कि भी कमाना क्या है, कमा के जितना ज्यादा एक्स्ट्रा कमाई करेंगे फिर वो काम में नहीं आएगी। इसलिए जल्दी ही शाम को जल्दी वाइंड अप कर लें, सुबह जल्दी उठ जाएं, उससे बड़ा जल्दी हमारे बॉडी ठीक होगी। 3 बड़े समाधान है इसके, एक तो डाइट चेंज करना, मैं आपको डाइट बताऊंगा, गलत आदतों से बचना पड़ेगा हमें। एक तो 4 व्हाइट पॉइजन ना लें, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट और ये प्रिजर्व फूड जो भी बाजार की बनी है, एक भारी चीज तब तक ना खाएं जब तक कि आप सुबह 4-5 किलोमीटर की रनिंग नहीं करते। अगर सुबह रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं 4-5 किलोमीटर की, तब तो आपको राजमा, छोले, पनीर, मटर पचेगा, अदरवाइज डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज्यादा नहीं पचेंगे और वायुवर्धक चीजें जो वातवर्धक चीजें ये नहीं पचेंगी। इसके बदले में आप मिलेट्स का उपयोग कर सकते हैं, मिस्से आटे का उपयोग कर लें और उसके अलावा हरी सब्जियों का उपयोग कर लें और फलों में भी जैसे अनार है, जामुन है, इस तरह के फल खाएं, आंवले का उपयोग करें, सुबह नींबू ले सकते हैं पानी में डाल के पी सकते हैं, तो फलियों का उपयोग करें। और जब सुबह वॉक पे जाएं, सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ के खूब योग करें, फिर जब वॉक पे जाएं और वॉक करके आएं तो गिलोय की डंडी चबा सकते हैं जैसे दातुन करते थे लोग, देखिए हरी गिलोय कितनी प्यारी, रसों से भरी गिलोय है। बाकी एलोवेरा का पत्ता का पल्प भी ले सकते हैं, बेल पत्र के 4-5 पत्ते चबा सकते हैं जो इन्होंने भी लिए अमित जी ने, ये सदाबहार के 4-5 पत्ते चबाते हैं, अश्वगंधा के पत्ते बड़े फायदेमंद रहेंगे, 1 या 2 पत्ता भी चबा लेंगे तो अच्छा रहेगा, अमरूद का 1 या 1.5 पत्ता चबा सकते हैं, जामुन का 1 पत्ता चबा सकते हैं, शीशम के पत्ते चबा सकते हैं, मीठे नीम के 20-25 पत्ते इतने भी पत्ते चबा लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, बड़े अच्छा टेस्ट होता है, कड़वे नीम के 4-5 पत्ते चबा सकते हैं, तो इनसे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। मैंने आपके लिए बड़े अच्छे नोट्स बनाए हैं, मेरे फोन नंबर भी है, जिसको भी कॉन्टैक्ट करना हो 8930541955, और मैं तो लाइव भी होता रहता हूँ, मेरा जगदम्बा बेबी केयर का जो यूट्यूब चैनल है इस पर रेगुलरली मैं लाइव होता हूँ, संडे को शाम को 4:30 बजे लाइव होता हूँ, और बड़े इस तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोज भी होते हैं। और ये भी देखिए, ये फैटी लीवर का कारण है और इसमें आखिर में सर्जरी या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो इससे बचें। शुरू में तो हमें टेस्ट भी करने पड़ते हैं कई बार, कि एंजाइम्स ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, एंजाइम्स बढ़ गए
हैं, अल्ट्रासाउंड करनी पड़ती है, कई बार स्कैन या बायोप्सी भी करनी पड़ती है। लेकिन इसका समाधान ये है, जितना हम डाइट चेंज कर लेंगे गलत खाने से बच जाएंगे, बाजार की बनी चीजें ना खाएं, और फिर दूसरा ज्यादा एनिमल फूड ना लें, जितना एनिमल फूड है मटन मिठाई मलाई इनसे बच के जितना सिंपल खाना खाएंगे, कड़वा खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा, और मैदे के बेसन के बनी चीज ना लें, और गलत चीजें शराब पीना और ये बीड़ी सिगरेट पीना ये बड़ा ही नुकसानदायक है, नॉनवेज से भी जितना हो सके हमें बचना पड़ेगा। आउटडोर एक्टिविटी का ध्यान करें, जैसे कि अमित जी ने बताया डेली सुबह 3-4-5 किलोमीटर की वॉक करके आए, फैटी लिवर, जैसे कि फीमेल्स में पीसीओडी होती है फीमेल्स में, इसी तरह से फैटी लिवर मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, इससे बचने का सबसे अच्छा समाधान है कि हम खान पान रहन सहन पे मुट्ठी में उसको ले लें, फिर दिक्कत नहीं होगी, ये इसका सबसे अच्छा समाधान है। मैं चाहता हूँ ये अर्जुन की छाल का काढ़ा भी आप ले सकते हैं, लोग चाय पीते हैं, क्यों चाय पिए हम, फ्रिज का पानी ना पिए, चाय ना पिए, चाय के बदले में अर्जुन की छाल का काढ़ा लें, मिल्क प्रोडक्ट्स बाकी तो ना लें, छाछ ले सकते हैं आप, छाछ में कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी गोमूत्र भी ले सकते हैं। अगर शुरू में वजन किसी को कम करना हो तो मेदो हरबटी और त्रिफला गूगल ये दो टैबलेट भी अगर आप एक महीना ले लेंगे तो आपको बॉडी बड़ी एक्टिव हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी, फिर आपको योग करने में सैर करने में आलस नहीं होगा। तो वजन कम करने के लिए मेद को हरने के लिए, मेद का मतलब फैट, फैट को हरने के लिए मेदो हरबटी और त्रिफला गूगल ये ले सकते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता हो तो हरण मुरब्बा भी ले सकते हैं, और बाकी एक लहसुन की भी कली ले लेंगे तो भी उससे भी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा फैट को डिसॉल्व होने में हेल्प मिलती है, ये भी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट को उसको जो अर्जुन की छाल का काढ़ा है ये भी एक्स्ट्रा फैट को डिसॉल्व करने में कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। जो भी चीजें ले प्राकृतिक चीजें ले, मेरा तो हमेशा जो इंटरेस्ट रहता है, मैं तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं लेकिन मेरा आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ये चरक संहिता मैंने पढ़ी है पूरी, और राजीव दीक्षित जी हमारे आए थे और ये कल्याणदेव जी महाराज हमारे यहां पे आए थे, ये 120 वर्ष से भी ज्यादा के थे, स्वामी विवेकानंद के साथ रह चुके हैं, इन्होंने बड़ा समय गुजारा, तो इन्होंने भी कहा और राजीव दीक्षित जी ने भी कहा कि डॉक्टर साहब भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे मैं बिजी हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे बिजी रहें और सबको शेयर करें, क्योंकि करनाल प्रेस पे ऐसे साइंटिफिक वीडियो आते ही रहते हैं, जितना आप ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनमें सकारात्मकता आएगी, नेगेटिविटी से बचेंगे और समाज का कल्याण होगा, जिससे कि लोग दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो चाहे नेचुरोपैथी हो, उसके बदले में हम अपने खान पान को मुट्ठी में ले लें, जैसे अमित जी ने लिया, किसी भी दवाई का उपयोग नहीं किया और आपके सामने साक्षात उदाहरण है। तो इसलिए आप इन चीजों का पालन करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें, इस पर बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।